तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब भाई। आज इस वीडियो में मैं आपको लड़की पटाने के 3 टिप्स बताने वाला हूं। अगर आपने इन तीनों टिप्स को फॉलो कर लिया तो मैं 99% श्योर हूं कि आप किसी भी लड़की को पटा लोगे। लेकिन जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, आपको बिल्कुल वैसे वैसे ही फॉलो करना है, ना थोड़ा इधर करना है ना थोड़ा उधर करना है, आपको एज इट इज ही करना है। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपके साथ इन तीनों टिप्स को शेयर कर देता हूँ, जिसमें से सबसे पहला टिप्स है लड़के को इग्नोर करो। हाँ भाई, सही सुना आपने, लड़के को इग्नोर करो। उसे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस मत दो। चाहे लड़की तुम्हारे सामने से गुजर रही हो तब भी उसे इग्नोर कर दो, लड़की तुम्हें बालकनी से देख रही हो तब भी उसे इग्नोर कर दो। मतलब लड़की को आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देनी है। और ये टिप्स भाई तब काम करेगी जब आप किसी लड़की को बोल नहीं पा रहे हो, या जब कोई लड़की आपको बार बार देखती हो और आपने पास्ट में उसे देख देख के उससे आई कॉन्टेक्ट कर करके अपनी इज्जत गिरा ली हो। क्योंकि ये चीज़ लड़कों के साथ कई बार होती है, उन्हें कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो लड़की से सिर्फ आई कॉन्टेक्ट ही करते हैं और लड़की भी उन्हें थोड़ा बहुत देखती है। लेकिन भाई, एक दूसरे को देखने से थोड़ी ना काम चलता है यार, इससे आगे भी काम डालना पड़ता है। तो अगर आपके साथ भी ये सिचुएशन हो चुकी है या हो रही है तो आपको अब लड़की को इम्पोर्टेंस देना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए और उसे टोटली इग्नोर करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। और कुछ दिनों से मेरा मतलब है तब तक के लिए जब तक लड़की के दिमाग में ये बात ना आ जाए कि ये लड़का मुझे इग्नोर क्यों कर रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि लड़की के दिमाग में ये बात आ रही है कि आप उसे इग्नोर क्यों कर रहे हो। ये बात भाई आपको तब पता चलेगी जब आपको इग्नोर करते हुए कुछ दिन हो जाएंगे और लड़की आपको पहले से ज़्यादा नोटिस करने लग जाएगी। और यही आपको समझना है कि लड़के को रियलाइज़ हो चुका है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हो और आप उसे भूल चुके हो और आप उसे भूल कर अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। और यही लड़के को इग्नोर करने के प्रोसेस के बीच में ही आपको दूसरा टिप्स फॉलो करना है, और वो है अपने लुक्स पर फोकस करना है। और जब आप अपने लुक्स पर फोकस करोगे, मतलब अपने लुक्स को अच्छा करोगे, तो जाहिर सी बात है आप पहले से अच्छे दिखोगे और उस वक्त से भी अच्छे दिखोगे जिस वक्त खुद आप लड़की से आई कॉन्टेक्ट करते थे और वो आपको कुछ भाव नहीं देती थी। तो यहाँ लड़की आपको भाव देने लग जाएगी, आपको अटेंशन देने लग जाएगी। लेकिन यहाँ आपको कोई गड़बड़ी नहीं करनी है। गड़बड़ी इन द सेंस, यहाँ आपको लड़की की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर यहाँ आपने कोई गड़बड़ी कर दिया या उसकी तरफ एक से दो बार देख लिया तो लड़की को पता चल जाएगा कि आप सिर्फ ड्रामा कर रहे हो, YouTube के किसी वीडियो को देखकर आप उसे पटाने की कोशिश कर रहे हो, और फिर बंदी आपसे कट जाएगी और उसके मन में यही बात आएगी कि आप अभी भी वैसे के वैसे ही हो जैसे आप पहले थे। लेकिन यहाँ मेरा मोटिव है कुछ दिनों में आपकी इमेज लड़की की नज़रों में एकदम चेंज कर देना, जिससे उसको रियलाइज़ हो और वो सोचे कि यार लड़का अच्छा था, अगर मैं इससे सेट हो जाती तो कोई बुराई नहीं थी। तो लड़की जब ये सोचे तो तुरंत आपको थर्ड टिप्स को फॉलो करना है, और वो है अप्रोच द गर्ल। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आपको पता कैसे चलेगा कि लड़की ये सोच रही है कि यार ये लड़का अच्छा था, अगर मैं इसे सेट हो जाती तो कोई बुराई नहीं थी। तो वो भी भाई मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो के साथ आप बने रहिए। तो जैसे मेरी थर्ड टिप्स है अप्रोच द गर्ल, यहाँ आपको थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा के लड़की को अप्रोच करना है। और अप्रोच आपको ऐसी जगह करना है जहाँ वो आपसे एकदम कंफर्टेबल होकर बात करे, जहाँ वो बिल्कुल भी अनसिक्योर फील ना करे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अप्रोच करते हुए उसके ऊपर बिल्कुल भी प्रेशर मत डालना कि अभी बताओ अभी बताओ। लड़की ने तो भाई तुम्हें इशारों में पहले ही बता दिया था कि वो आपसे सेट है। वो तो आपका लड़की को पटाने का प्रोसेस गलत था। तो आपको इस प्रोसेस को एज इट इज़ फॉलो करना है। अगर आपने बिल्कुल सेम टू सेम तरीका फॉलो किया तो 99% चांस है कि लड़की आपसे पट जाएगी। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि जब आप तीसरे टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि लड़की रियलाइज़ कर रही है कि वो आपसे सेट हो जाती तो कोई बुराई नहीं थी। ये भाई आपको पता तब चलेगा जब आप दूसरे टिप्स को फॉलो कर चुके होंगे और उसके एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद लड़की आपसे बहुत ज़्यादा आई कॉन्टेक्ट करने लग जाएगी। लेकिन ये 5 से 10 दिन के अंदर ही होगा जब लड़की आपसे बहुत ज़्यादा आई कॉन्टेक्ट करने लग जाएगी, और उसी दौरान आपको थर्ड टिप्स को फॉलो करना है। अगर आपने थर्ड टिप्स को एकदम सही तरीके से फॉलो कर दिया तो भाई बंदी आपकी है। तो ये 3 टिप्स थे। इन तीनों टिप्स से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी आज से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट या सवाल हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।